हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्लास 5th की मैथ का चैप्टर नंबर 1, द फिश टेल। डीप अंडर द सी सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। समुद्र की गहराई में देखिए कितनी सारी प्यारी प्यारी मछलियाँ स्विमिंग कर रही हैं। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड हेकू। जो स्पेशल पोएम है 3 लाइन की, वो हेकू के नाम से जानी जाती है। सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। इस तरीके की जो पोएम्स होती है ना नेचर पर, वो जापान में काफ़ी फेमस हैं। हेयर इज़ अनदर हेकू। यहाँ पर एक और हेकू लिखी हुई है। द लेक काम स्मूथ स्टिल अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न रिपल्स शेक अ लेक। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? कोई ऐसी पोएम है फिश से रिलेटेड जो आप जानते हो? हेयर आर सम ड्राॅइंग मेड बाई चिल्ड्रन। यहाँ पर कुछ ड्राॅइंग्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। नव्यता क्लास 1 एंड माया क्लास 4, ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बनाई हैं ये पोएम्स। वैन यू थिंक ऑफ फिशेज, वॉट शेप कम टू योर माइंड? जब आप फिशेज़ के बारे में सोचते हो तो कौन सी शेप हैं जो आपके माइंड में आती हैं? ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश। मतलब आपको स्क्वायर और ट्राइंगल की हेल्प से कुछ फिशेस की डिज़ाइंस बनानी है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि आप अगर फिशेस के ऊपर कोई भी पोएम जानते हो तो आपको लिखनी है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर ये पोएम लिखी हुई है, आई कॉट अ फिश अलाइव। 1, 2, 3, 4, 5, आई कॉट अ फिश अलाइव। 6, 7, 8, 9, 10, आई विल लेट इट गो अगेन। वाई विल आई लेट इट गो? बिकॉज इट फिट माई फिंगर सो। विच लिटिल फिंगर डिड इट वाइट? आई दिस लिटिल फिंगर ऑन द राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी आती है ना तो आप वो वाली पोएम लिख देना। आगे क्वेश्चन था, वैन यू थिंक ऑफ फिशेज, वॉट शेप्स कम टू योर माइंड? जब आप फिशेज के बारे में सोचते हो तो कौन सी शेप आपके माइंड में आती है? तो यहाँ पर आप आंसर कर देना, वैन आई थिंक ऑफ फिशेज फॉलोइंग शेप्स कम टू माई माइंड। अब आप ये देखो, ये शेप जो बनी हुई है आप ये शेप बना देना। इसके अलावा कोई शेप आती है तो बना देना। अब आप कुछ इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाया, फिर एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर आइस बना दी, ठीक है? सुंदर सी आइस बनाना आप। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश। मतलब आपको अब स्क्वायर से और ट्राइंगल से फिश बनानी है। अब देखो, मैंने तो एक ये बना रखी है। इसके अलावा आप कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर बनाना, फिर एक प्यारी सी टेल बना देना, यहाँ पर मछली की आँख बना देना इस तरीके से आप, या फिर ये वाली भी यहाँ पर आप बना सकते हो। मतलब आप बहुत सारी फिशेस की डिज़ाइंस बना सकते हो, प्यारी प्यारी, ठीक है? आपके दिमाग में जो भी आएगा आप यहाँ पे बना देना। नेक्स्ट, लुक फॉर फिश डिज़ाइन अराउंड यू ऑन क्लोथ्स, पेंटिंग ऑन मैट्स। मतलब आपके आसपास बहुत सारी क्लोथ्स पर, पेंटिंग्स पर, मैट्स पर बहुत सारी डिज़ाइंस होंगी फिशेस की, आप उनको देखिए। मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हुज आइज लुक्स लाइक अ फिश। मतलब मीन का मतलब होता है मछली और मीनाक्षी एक लड़की है जिसकी आंखें बिल्कुल मछली की तरह दिखती हैं। कैन यू थिंक ऑफ समवन हुज आइज सच, हु हैज सच आइज? मतलब आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानते हो या फिर सोच सकते हो जिसकी आंखें बिल्कुल मछली की तरह हों? ड्रॉ अ फिश विथ फिश आइज। मतलब आपको यहाँ पर फेस ड्रॉ करना है फिश आइज से। तो देखो, यहाँ पर इमेज में जैसे बना हुआ इस तरीके से कोई भी आप भी बना देना। इस तरीके से बनाना, ऐसे फिश बना देना, फिर ये लिप्स बना देना, ठीक है? यहाँ पर ऐसे हेयर्स बना देना, ऐसे प्यारे से हेयर्स बना देना, यहाँ पर ऐसे आइस बना देना, मछली जैसी आइस, ठीक है? यहाँ पे मेरा तो कर्सर इतना चल नहीं पा रहा है, आप प्यारा सा बनाना अच्छे से, ठीक है? आगे वो कह रहे हैं, फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? मतलब जो मछलियाँ होती हैं वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती हैं, पर जो सबसे छोटी मछली होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर के पास होती है। तो आपको क्या लगता है बड़ी मछली कितनी बड़ी हो सकती है? पहला क्वेश्चन तो ये रहा। दूसरा, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ अ बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश? दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि मतलब आपकी बड़ी मछली आपकी छोटी मछली से कितनी ज़्यादा बड़ी है। चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? तो आप यहाँ पे लिख देना, 1 व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर, सो आई कैन इमेजिन दैट अ फिश इज़ अबाउट 80 मीटर लॉन्ग, ठीक है? हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज़ अ बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश?
मतलब आपकी जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली से कितने टाइम्स बड़ी है, तो आप लिख देना फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस, द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर। अभी हमने यहाँ पर देखो ये पढ़ा था 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लॉन्ग फिश, लॉन्ग एंड बिगेस्ट फिश अबाउट 18 मीटर लॉन्ग। तो अब 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो अब 18 मीटर को भी हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट चेंज करना होगा। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 18 मीटर इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर। तो विक फिश इज़ 1800 टाइम लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट फिश। मतलब हमारी जो बड़ी वाली मछली होती है ना वो छोटी वाली मछली से 1800 टाइम्स बड़ी होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वो कह रहे हैं द बिगेस्ट फिश इज़ द वेल शार्क। मतलब हमारी जो बड़ी वाली मछली होती है वो वेल शार्क होती है, वो सबसे बड़ी होती है। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ वेल, व्हाट इज़ अ विग फिश। वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश, मतलब जो वेल शार्क होती है वो मछली नहीं होती है, वो मछली से काफ़ी डिफरेंट होती है और बहुत बड़ी होती हैं। वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू, जो वेल्स होती हैं वो बिल्कुल हमारी तरह ब्रीथ करती हैं। दो देयर नोज, अपनी नोज से, नोज के थ्रू, ठीक है। बट फिश हैव नो नोज एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। बट जो फिश होती है ना उनकी कोई नोज नहीं होती, नाक नहीं होती उनके, वो वाटर लेती हैं एयर नहीं। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, और जो वेल्स होती हैं वो बेबीज को जन्म देती हैं। बट फिश ले लेक्स, द वेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस। जो वेल शार्क होती है ना वो देखने में तो आपको बहुत बड़ी सी, डेंजरस सी लगती है, एकदम भयंकर सी, बट इट इज़ क्वाइट हार्मलेस। बट वो हार्मलेस नहीं होती, इट इज़ नॉट, इट डज नॉट अटैक ह्यूमन्स, वो ह्यूमन्स पे अटैक भी नहीं करती, काफ़ी फ्रेंडली होती है। वन वेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर, एक जो वेल शार्क होती है ना वो यहाँ पर देखिए 18 मीटर होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज़, मतलब आप सोच के देखो कि कितनी बड़ी होगी। ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ़ योर साइज इज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, मतलब आपकी जितनी हाइट की अगर 12 बच्चे एक के ऊपर एक करके खड़े कर दिए जाएंगे ना, तब जाकर कहीं वेल की साइज़ के बनोगे आप लोग। एंड गेस वॉट इट वेट, अब आप सोच के देखो इनका वेट कितना होगा। वेल मच मच मोर देन वॉट 12 of you together वेट, इट इज़ वेट वॉज अबाउट 16,000 किलोग्राम। उनका जो वेट होता है ना, मतलब इतना ज़्यादा वेट होता है इन लोगों का, इतना एक वेल शार्क का इतना वेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम डू यू वेट, आपका वेट कितना है। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट -किलोग्राम। अबाउट हाउ मच मोर डज अ वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, ठीक है। तो पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था उसमें वो पूछ रहे थे कि आपका वेट कितना है, तो आपका जो भी वेट है आप लिख देना यहाँ पर। मैंने गैस कर लिया, मतलब मैंने मान लिया कि आपका 30 kg है, 30 किलोग्राम्स है, तो मैंने यहाँ पे 30 किलोग्राम लिख दिया, आई वे अबाउट 30 किलोग्राम्स। तो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट -किलोग्राम, तो यहाँ द वेट ऑफ 1 चाइल्ड इज़ 30 kg। देन वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन पुट टुगेदर, एक चाइल्ड का वेट कितना था 30 kg, 30 किलोग्राम, 30 kg। एंड अब अगर हम आपके ही जितने 12 चिल्ड्रन, 12 चिल्ड्रन को एक साथ लेते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को, है ना। तो अगर 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360 किलोग्राम। करके देखो 30 मल्टीप्लाई बाई 12, अब करेंगे कितना आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई कितना आएगा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, 1 को 0 से करेंगे 0 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो कितना आया 360, ठीक है। अब सो 12 चिल्ड्रन लाइक मी पुट टुगेदर विल वेट अबाउट 360 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अबाउट हाउ मच मोर डज अ वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, मतलब अगर वेल शार्क, हाउ मच डज
मोर डसा मतलब वेल शार्क का जो वेट है वो आप लोगों के वेट से कितना ज़्यादा है। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि एक वेल शार्क का वेट कितना था, 16,000 किलोग्राम, और आप लोगों का 12 चिल्ड्रन का वेट कितना निकल के आया था, 360 किलोग्राम। आपने यहाँ पे लिखा वेल शार्क वेट वॉज अबाउट 16,000 किलोग्राम एंड वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन पुट टुगेदर इक्वल्स टू 360 किलोग्राम। देन हाउ मच मोर डज अ वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन, वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन। तो वेल शार्क का वेट में से 12 चिल्ड्रन के वेट को अगर हम लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15,640 किलोग्राम। मतलब एक वेल शार्क जो होती है वो आप 12 बच्चों का जो वेट आया था 360, उससे इतनी ज़्यादा, कितनी, 15,640 किलोग्राम ज़्यादा होती है आप लोगों से। ठीक है, आगे द फिश टेल। टू सी द डिफरेंस बिटवीन वेल एंड फिश लुक केयरफुली एट द टेल्स। मतलब अगर आपको एक वेल शार्क में और एक फिश में डिफरेंट देखना है, डिफरेंस देखना है ना, तो आप लोग उसकी पूंछ को ध्यान से देखो। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलॉन्ग इट इज बॉडी। अगर आप फिश को देखोगे तो उसकी जो पूंछ होती है ना, वो बिल्कुल उसकी बॉडी की सीध में होती है, एकदम स्ट्रेट होती है। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये फिश बनी हुई है, ये देखो स्ट्रेट दिखाई दे रही है, ये एकदम स्ट्रेट। बट जो वेल शार्क होती है ना, द टेल ऑफ वेल ऑलमोस्ट लुक लाइक टू लेग। मतलब जो वेल होती है उसकी जो पूंछ होती है वो टू लेग्स की, लेग्स की तरह दिखाई देती है। देखिए दिखाई दे रही है, कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। हाँ आप कर सकते हो, कैसे, आपने देखा, मैंने बताया था ना एकदम, ये देखो स्ट्रेट जा रही है और यहाँ पे टू लेग्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये फिश है और ये वेल शार्क है, ये वेल शार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्कूल्स ऑफ फिश। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। मतलब जो फिशेज होती है ना, उनको समुद्र में ग्रुप में स्विम करती हैं, जिसे हम स्कूल्स ऑफ फिश कहते हैं। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगेस्ट फिश। जहाँ पर वो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं ना, उनसे अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल। तो आप यहाँ पर लिख देना, येस आई फील सेफ इन माई स्कूल। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे, टू स्केयर अवे द बिगेस्ट फिश, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक बिग। मतलब बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ क्या करती हैं, ढेर सारा पानी पी लेती हैं, जिससे वो काफ़ी बड़ी दिखने लगती हैं। जिंक्सी यूज दी शेप टू मेक ड्रॉइंग ऑफ फिश। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल सोन विलो। मतलब जिंक्सी जो है, ये वाली जो शेप दे रखी है, ये ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल्स, ये सारे जो शेप दे रखे हैं, हार्ट शेप, इनसे क्या करती है, जो एनिमल्स होते हैं ना समुद्र में रहने वाले, उन सबको बना रही है, उनको बनाने का ट्राई करती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ दीज सी एनिमल हैव यू सीन बिफोर। मतलब ये जो सी एनिमल्स हैं, आप में इनमें से कोई भी पहले देख रखा है, तो आपने जो भी देख रखा हो वो आप यहाँ पे लिख देना। मैंने जैसे यहाँ पे आंसर कर रखा, आई हैव सीन क्रैब्स, ऑक्टोपस, जेलीफिश, है ना, आप लोगों ने जो भी देख रखे होंगे आप वो एनिमल्स यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट कह रहे हैं, हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी। मतलब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने समुद्र देखा हुआ है। वेयर डिड यू सी इट, डिड यू सी इट इन अ मूवी ऑफ अ रियल, हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, फाइंड आउट। आप लोगों ने मूवीज़ में देखा है या फिर सच में देखा है, और आप लोग को क्या लगता है ये कितना गहरा होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसका आंसर कर देना यहाँ पर, ये सॉरी, आई एंड माई मैनी ऑफ माई फ्रेंड हैव ऑल्सो सीन द सी। आई हैव सीन द सी एट गोवा। आई हैव सीन द सी इन अ मूवी एंड ऑल्सो इन रियल। आई थिंक द डेप्थ ऑफ द सी इज़ मोर देन 1,000 फीट। मतलब मैंने और मेरे फ्रेंड ने समुद्र देखा हुआ है, और मैंने इसे गोवा में देखा है, और रियल में मूवी में भी देखा हुआ है। आई थिंक द डेप्थ ऑफ अ मूवी सी इज़ मोर देन 1,000 फीट। मुझे लगता है कि समुद्र की गहराई जो है 1,000 फीट होती है। मतलब ऐसा मुझे लगता है, अगर आपको इससे ज़्यादा या फिर कम लगता है
तो आप यहाँ पे आंसर थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट था, डू यू नो हाउ टू स्विम, तो वो पूछ रहे हैं कि आपको स्विमिंग करना आता है। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या आप सी वेव्स को देखोगे, ऊंची ऊंची समुद्र की लहरों को देखोगे तो क्या आपको उससे डर लगेगा। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू नो हाउ टू स्विम, तो अगर आपको यहाँ पे स्विमिंग करना आता है तो आप लिख देना यस आई नो हाउ टू स्विम, बट मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, तो आप यहाँ पे कर देना यस आई स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, हाँ मुझे जो ऊँची ऊँची समुद्र की लहरें हैं उनसे डर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोज योर आइज़ एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी आँखें क्लोज करनी है और इमेजिन करना है ऊँची ऊँची समुद्र की लहरों में। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, आपको क्या लगता है जो समुद्र की लहरें हैं वो कितनी ऊँची जाती हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का आंसर भी कर लेते हैं। तो पहले था क्वेश्चन, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई, आप इसका आंसर कर सकते हैं यस आई कैन इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई एंड इट वॉज अमेजिंग, इट लुक्स अमेजिंग। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव कैन गो, आपको क्या लगता है जो वेव्स होती हैं वो कितना ऊँचा जा सकती हैं, तो आप लिख देना आई थिंक दैट द वेव्स कैन गो मोर देन 45 meters, या उससे ज़्यादा या कम लगता है तो आप यहाँ पर 45, 46, 50 meters जो भी आपको लगता है वो वहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इमेजिन दैट देयर आर अ फिशरमैन इन देयर बोट, आप सोच के देखो फिशरमैन मतलब कि मछुआरे बोलते हैं ना, मछुआरे फिशरमैन, वो अपनी बोट में हैं, गोइंग अप्स एंड डाउन विद द वेव्स, मतलब जो समुद्र की लहरें हैं उनके साथ ऊपर और नीचे जा रहे हैं। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज़ स्टिल डार्क, वो लोग अपनी जो ट्रिप होती है ना वो तब स्टार्ट कर देते हैं जब अंधेरा होता है। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम द ब्लॉक्स ऑफ बोट टाइड टुगेदर, कुछ मछुआरे यानी कि फिशरमैन जो होते हैं बहुत ही सिंपल सी बोट से जाते हैं जो कि लॉक्स ऑफ बोट टाइड टुगेदर, मतलब जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं ना उनसे जोड़ करके बनाई हुई होती हैं, मतलब उनको रस्सी से टाई कर देते हैं, मतलब उनको इकट्ठा करके और उनको टाई कर देते हैं किसी भी रस्सी वगैरह से, तो उससे बोट बनती है, उससे जाते हैं। इफ़ द सी इज़ रफ विद वेरी हाई टाइड एंड द स्ट्रॉन्ग विंड देन दी फिशरमैन हैव वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, अगर सी वेव काफ़ी मतलब समुद्र में काफ़ी आंधी तूफान आया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो ये जो सिंपल सी बोट से जाते हैं ना लॉन्ग बोट से, उन वाले मछुआरों को फिशरमैन को काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना पड़ता है। देखो ये दे रखे हैं, अरे ये फिश, ये देखो ये लॉन्ग बोट दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ये लॉन्ग बोट जो लट्ठे से बनाए हैं, देखिए कितनी सिंपल सी दिखाई दे रही हैं। आगे वो कह रहे हैं, दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार, ये जो लॉग बोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 kilometers इन 1 hour, मतलब अगर विंड काफ़ी सही चल रही है तो ये 1 घंटे में 4 kilometers तक जा सकते हैं, 4 kilometers इन 1 hour। तो आगे उन्होंने 2 questions पूछे हैं, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो इन डिस्टेंस ऑफ 10 kilometers, अगर मतलब 10 kilometers तक वो जाते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा। अ सेकेंड क्वेश्चन है, गैस हाउ फार यू कैन गो इन 1 hour इफ़ यू वर्क फास्ट, मतलब अगर आप तेज़ तेज़ चलते हो तो आपको क्या लगता है आप 1 hour में कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन था, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 kilometers, तो देखो एक चीज़ तो यहाँ पर गिवन थी कि लॉन्ग बोट टेक 1 hour टू ट्रेवल 4 kilometers, देन लॉग बोट टेक 2 hours टू ट्रैवल, अब देखो 1 hour में कितना था 4 kilometers, ठीक है, अब 2 hours में कितना हो जाएगा 2 x 4 जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है 8 kilometers, बट इन हाफ एन आवर द बोट लॉग बोट विल ट्रैवल 4/2, 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2 kilometers, ठीक है। द टोटल टाइम दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 kilometers, 10 kilometers का डिस्टेंस कवर करने में उनको कितना टाइम लगेगा 2.5 hours, देखो
10 आर को अगर हम 10 किलोमीटर को, सॉरी, 10 किलोमीटर को हम ब्रेक करके लिखेंगे तो 4 + 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर हो गए, 10 हो गए ये। अब एक बारी 4 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको 1 घंटा लग रहा था, दूसरी बारी फिर से उसको 1 घंटा लग गया, फिर अब देखो 4 किलोमीटर ट्रैवल करने में लग रहा था उसको 1 आर। तो अब अगर हम डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो टाइम भी आधा हो जाएगा, डिस्टेंस रह गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तो टाइम भी हाफ आवर रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाफ आवर इसको प्लस करके लिख देंगे तो 2.5 आवर लोगों को लगा। तो फॉर 2 आवर वो ट्रेवल 8 किलोमीटर, मैंने बताया था आपको ये 2 और ये 2 प्लस करोगे तो ये 2 आवर, ठीक है ना। और फॉर हाफ एन आवर वो ट्रेवल 2 किलोमीटर, तो 8 और 2 को प्लस किया 10 किलोमीटर, वही मैंने आपको ये सब समझाया था यहाँ पे, ठीक है। हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट, मतलब अगर आप तेज़ तेज़ वॉक कर रहे हो तो आप 1 घंटे में 1 आवर में कितना ट्रैवल कर लोगे। तो आई थिंक आई कैन कवर 5 किलोमीटर to 6 किलोमीटर इफ़ आई वॉक फास्ट, मतलब अगर मैं तेज़ी तेज़ी से चलूँगी तो 5 से 6 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हूँ, एक डिस्टेंस कवर कर सकती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिशर मैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। फिशर मैन जो होते हैं वो सन की तरफ देख करके और जो विंड चल रही है, हवा चल रही है, उसको महसूस करके ये पता लगा सकते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आउट वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स, मतलब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर इस तरीके से समुद्र में फंस गए ना, या तो वो अपना रास्ता ही भूल जाएंगे, उन्हें कुछ दिखे पानी पानी सिर्फ पानी है तो वहाँ तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर यू आर एंड वॉट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट एंड नेम टू थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। तो पहला क्वेश्चन था तो उसका आंसर आप कर सकते हो आई कैन सी सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड विंड इज ब्लोइंग, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम टू थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर बेस्ट, तो आप कर सकते हो हट एंड ट्री आर द टू थिंग्स लाइंग टू माई बेस्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर यहीं पर part 1 कंप्लीट हुआ, part 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट में करके बताइए, लिख कर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप वो मुझसे ज़रूर पूछेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।